एच टी एम एल का हेलो वर्ल्ड बनाना है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने, मैं सेक्शन ए, ये कौन सा वाला है, ये वो वाली वेबसाइट है यार, वो कहाँ पे मैंने क्लोन किया था आपका, सेक्शन ए के नाम से क्लास के अंदर किया था, राइट। हाँ ये रहा, पेशावर वेब डेवलपमेंट क्लास। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये वो गिटहब की रिपॉजिटरी है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, है ना। अच्छा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करूँगा कैसे मैं भला, इस फोल्डर में टर्मिनल ओपन किया मैंने, है ना, पेशावर वेब डेवलपमेंट क्लास, इस फोल्डर में मैंने टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे लिखूँगा कोड स्पेस डॉट एंटर, ठीक है। तो ये मैंने वापस वहीं पे खोल लिया। तो अभी मैं आपको वापस किधर लेकर आ गया हूँ, जहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था, ये मैं आपको वहीं वापस लेकर आ गया हूँ, है ना, ऐसा ही था ना। अच्छा इसमें हमने क्या कर लिया था, इसमें एक फ़ाइल बना ली थी हमने, उसको पुश किया था गिटहब में, उसके बाद क्या किया था, इस फाइल में कुछ चेंजेस की थी दोबारा और उसको दोबारा पुश किया था गिटहब में, ये इतना काम हमने कर लिया था। अच्छा आज हम इसी के अंदर, इसी रिपॉजिटरी के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम हम क्या रखेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अच्छा ये आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ, ये बटन दबा के मैंने न्यू फाइल बनाया और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया। अच्छा इस फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना ज़रूरी है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह स्मॉल लेटर से INDEX, इंडेक्स और डॉट एच टी एम एल लिखना है। अगर आपने इसमें से एक कैरेक्टर भी, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे किया, तो ये उस तरह से रिजल्ट नहीं देगी जैसा हम यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिहाजा आप नाम इसका बिल्कुल सेम रखें। अच्छा फिर हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे कि अगर इसका नाम चेंज होता है तो उससे मसला क्या पड़ता है, ठीक है, वो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने क्यों इसका ये नाम रखा है। असल में इसके अंदर कन्वेंशन है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर जो पहला पेज होता है ना, उसका नाम ये होना चाहिए, कन्वेंशन है, तो सब लोग इसको फॉलो करते हैं। तो अगर ये हमने कन्वेंशन ठीक नहीं लगाया ना, तो जब इसको इंटरनेट पर लाइव करेंगे तो ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। अच्छा तो मेरे पास ये फाइल यहाँ पर खुलकर आ गई है, इस फाइल में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है ये। इसमें मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर है, आपके वन का जो बटन है वो आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा और एंटर दबा दिया, ठीक है, और नीचे सजेशन आई थी उस पर एंटर दबा दिया। अच्छा ये सजेशन जो आपको ये कौन दे रहा है, ये जो सजेशन आपके पास आ रही है, ये आपको VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो दे रहा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर है तो हो सकता है ये सजेशन आपके पास ना आए, ठीक है, जैसे नोट पैड अगर आपने लिख खोला हुआ है तो उसमें ये सजेशन आपके पास नहीं आएगी। तो ये सजेशन वेल मैंने इसको क्लिक करके ये सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अब इसके अंदर आप देख रहे हैं एक बॉडी है, बॉडी का टैग ओपन है और बॉडी का टैग क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने क्या लिख, ये बॉडी वो हिस्सा है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आने वाला है, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि जी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा और इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको ओपन करना है, मैंने ब्राउज़र के ऊपर ओपन करना है, ठीक है। मैं इस जगह पे आकर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके क्या करूँगा, मैं कॉपी पाथ का बटन दबाऊँगा, ठीक हो गया। और ये कॉपी पाथ करने के बाद मैं कहाँ करूँगा, इधर जाके इसको ब्राउज़र के URL की जगह पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये हेलो वर्ल्ड मेरे पास खुल कर आ गया, ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा ये हेलो वर्ल्ड बनकर आ गया। अच्छा अब ये जो हेलो वर्ल्ड है, अभी हमारा हेलो वर्ल्ड कंप्लीट नहीं हुआ एक्चुअली, इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज है ना, तो मार्कअप होगा। मैंने कहा यार इसको हेडिंग बनाओ आप, जैसे जर्नल पर तो हम हेडिंग लगाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले हेडिंग लगानी है, तो इसको हम क्या करते हैं, H1 लगाते हैं इसके ऊपर। अच्छा H1 भी देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने H1 लिखा, नीचे सजेशन आ गई, एंटर दबा दिया। अच्छा एंटर भी दबा सकता हूँ और मैं टैब भी दबा सकता हूँ ना, टैब का कौन सा बटन है, H1 लिखा मैंने और टैब का बटन है कैप्स लॉक के ऊपर होता है, ठीक है, टैब भी दबा सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसको रैप कर दिया H1 के मार्कअप में, ठीक है, जो भी मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट था उसको मैंने H1 के मार्कअप में क्या कर दिया, रैप कर दिया। H1 के मार्कअप में रैप करने से ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, HTML को ये बात समझ आ जाएगी कि ये इसको एज अ हेडिंग दिखाना है, तो इसको एज अ हेडिंग दिखा देगा। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। यहाँ आता हूँ मैं और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश जैसे किया इसको बड़ा कर दिया इसने, है
है ना, हेडिंग बना दिया। अच्छा, इसी तरीके से HTML के अंदर 6 हेडिंग्स मौजूद है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी हमें H2 भी दिखा दो कि कैसा होता है, ठीक है, H3 भी दिखा दो, H4 भी दिखा दो कैसा होता है, H5 और H6, ये 6 लेवल की हेडिंग्स हैं, ठीक है। MS Word के अंदर भी 6 लेवल की हेडिंग होती है, और हम जो जर्नल बनाते हैं उसके अंदर भी दरअसल तो 6 लेवल की ही हेडिंग होती है, एक सबसे टॉप पे, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, HTML के अंदर जो 6 मार्कअप्स उसके हमने पढ़ लिए, अभी 6 मार्कअप हमने डिस्कवर कर लिया। अच्छा, अब और आ जाते हैं जी, मार्कअप लैंग्वेज है ना, तो इसमें मार्कअप और भी होने चाहिए। अच्छा, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को एज अ पैराग्राफ दिखाना है तो मैं क्या करूँगा जी, पी का मार्कअप लगाऊंगा मैं, ठीक है। पी का मार्कअप मैंने कैसे लगाया, जस्ट मैंने लिखा यहाँ पे पी, ठीक है, सजेशन आ गई, एंटर कर दिया, और यहाँ पे अब एक पैराग्राफ मुझे चाहिए। पैराग्राफ मैंने कहा कि जी कार विकिपीडिया, नहीं नॉट कार, ठीक है, यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ इसका उठा लिया, ठीक है, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ लगा दिया। आगे देखते हैं जी, रिफ़्रेश किया मैंने। अच्छा, रिफ़्रेश मैं ये बटन दबा के भी कर सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो F5 से भी रिफ़्रेश हो जाता है, और कंट्रोल R से भी रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। ये कई तरीके हैं रिफ़्रेश करने के, तो मैं, मुझे कंट्रोल R पे ज़्यादा हाथ सेट है, तो मैं कंट्रोल R से रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये पैराग्राफ के तौर पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, क्या होगा, अब स्क्रीन छोटी होगी ना, तो ये पैराग्राफ खुद ही एडजस्ट करेगा अपने आप, ठीक हो गया। अच्छा, पैराग्राफ हो गया, और जर्नल में क्या बनाते हो भाई, बोल्ड इटैलिक, जर्नल में बोल्ड इटैलिक बनाते हो। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये इतना जो पार्ट है ना, ये इसको बोल्ड करना है मैंने, ठीक है, या इतने को, पूरे को बोल्ड करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बी का टैग है, मैंने बी लिखा, सजेशन आई, एंटर कर दिया, और इसको मैं रैप कर दूंगा इतने टेक्स्ट को, तो ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं होता है कि नहीं होता। कंट्रोल आर से रिफ़्रेश किया मैंने, तो आप देखें इतना पार्ट इसका क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इतने पार्ट को अगर मैंने इटैलिक करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आऊँगा और आई का टैग इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है जी, ये इटैलिक हो गया। अच्छा जी, कितने मार्कअप हमने सीख लिए अभी तक, 6 मार्कअप ये हो गए हमारे, 7, 8 और 9 मार्कअप टोटल हमने सीख लिए अभी तक। अच्छा जी, और कौन सा मार्कअप लगाते हैं एक जर्नल बनाने के लिए, और कौन सा मार्कअप इस्तेमाल, सुपर स्क्रिप्ट, सबमिट जी, हाँ, बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे के, वो क्या चक्कर है उसका, HR का नहीं, HR तो टैग है ना इसका। जर्नल में क्या क्या इस्तेमाल करते हो भाई, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, वो हमारे पास जब हम जर्नल 9 क्लास का, अभी इमेजिन करो कि 9 क्लास का जर्नल तैयार हो रहा है ना, तो उसमें ये HR नहीं होता, BR नहीं होता उसके अंदर, हाँ, लिस्ट बनती है एक्चुअली उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना के देखते हैं। अच्छा, लिस्ट के लिए कौन सा मार्कअप है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको ये बात समझ आ गई है, इस पॉइंट पे आपको ये बात समझ आ गई है कि यार HTML इज नथिंग बट अ बंच ऑफ मार्कअप्स, है ना। अब ये मार्कअप कितने मार्कअप हैं, 8-10 मार्कअप तो हमने देख लिए यहाँ पर। अगर इंटरनेट पे कोई ऐसी जगह मिल जाए मुझे, इंटरनेट पे अगर कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहाँ पे लिस्ट बनी हुई हो तमाम पॉसिबल मार्कअप्स की जो HTML के अंदर हो सकते हैं, तो ये तो पूरी HTML हो गई है ना। अच्छा, तो हम लिस्ट, जो बुलेट पॉइंट वाली जो लिस्ट है वो हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए पहले हम जाके सर्च करते हैं कि जी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे तमाम HTML के मार्कअप्स मुझे एक ही जगह पे नज़र आ जाए, और वहाँ से फिर मैं देखूँगा कि यार लिस्ट वाला मार्कअप कौन सा है,
आ जाते हैं जी। मैंने लिखा ऑल HTML एलिमेंट्स लिस्ट। अच्छा मैंने यहाँ पे ना HTML एलिमेंट्स लिखा है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं मार्कअप कह रहा हूँ ना, असल में उसको, वैसे तो वो मार्कअप ही है, लेकिन उसका जो बुक्स वगैरह में या डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर नाम है ना, वो एलिमेंट्स कहते हैं उसको, है ना। जैसे वो क्या बोलते हैं कि जी ये H1 का एलिमेंट है, या ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। जब एलिमेंट क्या चीज़ होता है ये भी समझ लो। जैसे ये है ना H1 का ओपनिंग टैग है, ये H1 का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और ये जो दरमियान में इसके मौजूद है, ये इसका कंटेंट है, ये है ना, इसके अंदर जो मवाद है। अच्छा इस पूरे को मिला के उसको एलिमेंट कहते हैं। ओपनिंग भी शामिल होगा, क्लोजिंग भी शामिल होगा, और दरमियान में जो कंटेंट है वो भी शामिल होगा। तो इस पूरे को मिला के उसको एलिमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा और मार्कअप जो है मोर और लेस वो एक नॉन टेक्निकल नाम है। मार्कअप जो है ना वो मोर और लेस एक नॉन टेक्निकल नाम है, एलिमेंट इसका टेक्निकल नाम है। तो इसलिए बुक्स वगैरह में हर जगह ना इसमें एलिमेंट के नाम से ही आपको नज़र आएगा। तो वेल मैंने ये लिख दिया गूगल पे आकर के यार लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स। तो आप देखें ये W3 स्कूल आप सब लोगों का जाना पहचाना, सब लोग जानते हैं ना W3 स्कूल को। अच्छा यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई। यहाँ पे लिस्ट तो नहीं आई, क्यों नहीं आई? अच्छा ये लास्ट में लिंक, ये HTML टैग रेफरेंस है एक्चुअली, ये यहाँ पे आई है लिस्ट। हाँ ये आ गई लिस्ट तमाम पॉसिबल मार्कअप्स की। HTML के अंदर जितने भी मार्कअप हो सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, उसकी सबकी लिस्ट है। ये देखो एक लंबी लिस्ट है ये। अच्छा तो ये सारे मार्कअप अगर आपने डिस्कवर कर लिए तो आपको पूरी HTML आ गई, ठीक है। इसमें ढूंढते हैं लिस्ट वाला कौन सा है। लिस्ट अगर बनानी है मैंने, अच्छा लिस्ट लिस्ट लिस्ट, अच्छा यहाँ पे भी कुछ लिस्ट लगा हुआ है, डिफाइन है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट अलग है, हमें बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट बनानी है। अच्छा अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करूँगा। तो यहाँ पे ना इन्होंने ये बताया हुआ है कि यार डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, ठीक है, और ये इसका कोड कैसे है। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाऊंगा तो यहाँ पे कोड बकायदा, ये कोड लिखा हुआ है और ये उसका आउटपुट है। तो यहाँ बुलेट पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये लिस्ट हमारे मतलब की नहीं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और वापस मैं किस पे आ जाता हूँ, अच्छा ये आ गया LI लिस्ट आइटम, है ना। इसके अंदर जाके देखते हैं कि ये हमारे मतलब का है कि नहीं है। ओपन इन न्यू टैब, कह रहा जी इसका इस तरह से ये लगता है, ठीक है। अच्छा और ट्राई इट योरसेल्फ पे जाऊंगा तो इसको चला के भी बता देगा, ठीक है। इसने कहा कि जी ये कोड अगर आप लिखोगे, ये वाला कोड अगर आप लिखते हो तो ये क्या चीज़ होगा, ये 1 2 3 वाली लिस्ट बनाएगा आपकी, ठीक है, जिसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। आपको तो माशाल्लाह यार सबको आता है, यहाँ पे नाम पता है सबको। अच्छा सारे CS बैकग्राउंड वाले हैं। अच्छा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, तकरीबन 30% तो हैं, है ना, 30% तो हैं तकरीबन। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको HTML पूरी आती है। अच्छा ये भी हैं तकरीबन 30%, वो तो पता लग जाएगा अभी। नहीं HTML वैसे आसान है, इतनी कोई टेक्निकल मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा तो हम देखते हैं फिर उसी हिसाब से क्लास को ज़रा लेके चलेंगे ना। अच्छा तो जिनको देखें, जिनको पहले से आता है ना, उस उनको बोर नहीं होने देंगे हम इस क्लास में, ठीक है। उनको हम वॉलंटियर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे ना इधर। भाई देखें दो ही इस क्लास के अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सीखने आएंगे या तो आप सिखाने आएंगे, ठीक है। अच्छा इस क्लास में ना मैं आपकी उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी आप लोग आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से जो ये अच्छी बात है कि हमारी क्लास के अंदर पढ़े हुए लोग मौजूद हैं, है ना। अच्छा तो अगर तो पढ़े हुए लोग हैं, हो सकता है उनको पता लगे कि अच्छा जी जो मैंने पढ़ा था वो इनफ नहीं था, तो वो पढ़ाई करेंगे। अच्छा वो कहेंगे नहीं मेरी तो सब आता है मुझे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो पढ़ाएंगे आगे। हो सकता है किसी दिन अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट हो यहाँ पे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो हो सकता है किसी दिन मैं यहाँ पे भी 15 मिनट का स्लॉट किसी स्टूडेंट को दूँ, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट मौजूद है वो या तो पढ़ाई कर रहा होगा, और अगर वो पढ़ा हुआ है तो वो पढ़ाएगा, फिर दूसरे लोगों की हेल्प करेगा, उसको वॉलंटियर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वेल तो जी इन्होंने ये बोला कि जी आपने ना अगर बनाना है 1 2 3 वाली लिस्ट तो आप लगाओगे ऐसे कोड OL, और अगर आपने बनाना है बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट तो आप बनाओगे ऐसे UL, ठीक है। तो हमें बुलेट पॉइंट वाली बनानी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इतना UL वाला पार्ट है इसका, है ना, इतना जो UL वाला पार्ट है, इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं ले आता हूँ अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है।
अच्छा, तो जैसा रिजल्ट उनके पास था वैसा ही हमारे पास भी आ जाना चाहिए कि एक लिस्ट होगी, उसके अंदर एक पहला बुलेट पॉइंट होगा कॉफ़ी, दूसरा बुलेट पॉइंट होगा टी, और तीसरा बुलेट पॉइंट होगा मिल्क। ठीक है, तो इस तरह तीन उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। देखते हैं हमारे पास भी इस तरह का रिज़ल्ट ये शो करता है या नहीं करता है। रिफ़्रेश किया मैंने तो हमारे पास भी इसी तरह का रिज़ल्ट इसने शो कर दिया। अच्छा, तो ये हमने HTML सीख लिया पूरा आज, हमारे पास टाइम तो हमारा पूरा हो गया वैसे। अच्छा, तो असाइनमेंट अब देता हूँ मैं आपको। एक असाइनमेंट आपका ये है कि आपने जितनी HTML आज पढ़ी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, अपनी एक CV बनानी है। अच्छा, जिनको आती है HTML, देखो इस क्लास के अंदर जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, जो भी मैं बनाने के लिए कहूंगा आपको, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा, है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट कि जी इतना तो मिनिमम आपने करना ही है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इस क्लास में। जिसको जितना अच्छा आता है वो इस असाइनमेंट के अंदर अपनी स्किल्स को अच्छी तरह शो ऑफ करेगा। ठीक है, अगर किसी को कलर्स भी लगाने आते हैं तो वो कलर्स भी लगाएगा। ठीक है, किसी को अगर पूरी वेबसाइट बनानी आती है तो वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए कि बंदा देखता ही रह जाए उसको। ठीक है, तो जितना भी आपको कुछ आता है पहले से, आपने उसको अच्छी तरह से शो ऑफ करना है इस असाइनमेंट के अंदर, है ना। दिस इज़ द चांस। अच्छा, तो हो जाएगा, CV बन जाएगी। अच्छा, आ जाते हैं ज़रा एक दफ़ा CV ना थोड़ा सा हम बना के देख लेते हैं इसको। मैं, अच्छा मुझे एक ही हेडिंग चाहिए असल में यहाँ पे, तो ये हेडिंग सारी हटाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक छोटा सा मैं बल्कि ना रिज्यूमे ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, या आपका नाम लिख दिया यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह हो गया, है ना। ये बन गया पहली हेडिंग हो गई रिज्यूमे की। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ आपने लिख दिया अपने बारे में। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं शायद एजुकेशन, नहीं पहले पैराग्राफ से भी पहले ना आप यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्टिव कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ। तो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं आप, आ जाए लिख देते हैं। सही है, तो ये जी आ गया ऑब्जेक्टिव, पहला तो रिज्यूमे आ गया, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव की हेडिंग। अब ऑब्जेक्टिव के बाद मैं मज़ीद हेडिंग्स लगाता चला जाऊंगा यहाँ पे कि जी माई एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन के बाद एक पैराग्राफ, और एजुकेशन के बाद पैराग्राफ लिखते हैं या लिखते हैं, नहीं लिखते, बुलेट लिस्ट ही लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने बता दिया कि जी इंस्टीट्यूट नेम लिख दिया आपने। इसमें तो एक्चुअली आप लिखते हैं टेबल, इसमें एक्चुअली टेबल भी देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। अच्छा, एजुकेशन के बाद आपने लिखा वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में भी एक्चुअली आप टेबल बना रहे होते हैं, EXPERINCE। क्या लिख दिया मैंने, गलत कर दी स्पेलिंग, INCE, राइट, आई एम वेरी बैड विद द स्पेलिंग्स। अच्छा, उसके बाद आपका हो जाएगा लास्ट में बायोडाटा। ठीक है, जिसमें आप लिख देंगे कि जी मेरा नाम, ठीक है, मलिक, और उसके बाद मेरा जी जो CNIC, ठीक है, 42401, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -7। ठीक है, इस तरह से NIC नंबर लिख दिया आपने। आपने यहाँ पे लिख दिया नेशनैलिटी पाकिस्तानी, सही है। और आप उसके बाद लिख देंगे कि जी एड्रेस, ठीक है, XYZ जो भी एड्रेस है आपका, वो आपने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह आपका बायोडाटा आ गया ना। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ छोटी सी एक CV बनती जा रही है अभी। अच्छा, एजुकेशन के अगेंस्ट मैंने क्या लिखना है, टेबल बनानी है, राइट। तो टेबल का मार्कअप जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये आ गया जी, डिफाइन्स अ टेबल। टेबल के अंदर चलता हूँ मैं, और टेबल के अंदर ये इन्होंने कोड लिखा हुआ है, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं। इस तरह का कुछ मुझे भी चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये टेबल पूरी की पूरी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ लेकर आ जाता हूँ एजुकेशन के नीचे। अच्छा, अब ये टेबल को देखो, समझ लो क्या है, ये टेबल है और यहाँ से टेबल ये ख़त्म है। ये जो TR है, दिस इज़ वन रो, ठीक है, वन रो है ये। तो पहली रो के अंदर मुझे क्या लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम हो गया, और ग्रेड,
सही है एयर, और वो ना डिग्री नेम, ठीक है ये बात मुझे लिखनी है ना। अच्छा इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है, बॉर्डर कैसे आएगा इसके अंदर? मैं यहाँ लिख दूंगा कि जी border, border, वैसे तो ये काम हम CSS से करते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिया कि जी इंस्टीट्यूट का नेम, डिग्री कौन सी है, ग्रेड कौन सा है और ईयर कौन सा है, ठीक है ये मैंने बात लिख दी। और नीचे यहाँ पर आके मैं, ये पहली रो मेरी कम्प्लीट हो गई, ठीक है। ये दूसरी रो के अंदर अब मैंने क्या लिखना है कि जी ABC इंस्टीट्यूट, ठीक है जी ABC इंस्टीट्यूट, और उसके अलावा मैंने कि डिग्री की है जी ABC डिग्री, और उसके बाद मैंने क्या किया जी ग्रेड ए, और एयर 2020 में ये हुआ है। तो ये मेरी सेकंड रो क्या हो गई, सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं तीन रो चार, इस लास्ट वाली को मैं हटाता हूँ, तो इसी को क्या कर देता हूँ मैं, तीन रो मैंने बना दी टोटली, ठीक है ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो, ठीक है। डेटा मैंने चारों में एक ही लिखा है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका क्या हो गया, एजुकेशन की एक टेबल बन गई। अच्छा इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस के अंदर भी आप क्या करेंगे, ऐसी एक टेबल आप बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूँ उन लोगों को जिनको, जो ज़रा बिगनर्स हैं, ठीक है। वैसे जिनको आता है उन, वो तो ये खुद ही कर लेंगे, मसला नहीं है उनका। ये आपकी एक CV छोटी सी बनती जा रही है। अच्छा आप इसके अंदर फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को आता है तो। नहीं आता वो कोई मसला नहीं, ये पूरा इंशाल्लाह हम सीखेंगे अभी, ठीक है। अब ऑनवर्ड्स जो हम काम करेंगे ना, यहाँ नाउ एंड ऑनवर्ड्स हम क्या सीख रहे होंगे अभी, HTML हमारा इंशाल्लाह अभी चलेगा, तकरीबन 4 हफ्ते तक चलेगा, सही है। तो इन अगले 4 हफ्तों में हम इन तमाम मार्कअप्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, और हम देखेंगे कि यार किस मार्कअप से क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके जो निटी ग्रिटी है, डिटेल्स हैं जो, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये टेबल क्या बला है और ये क्या बला है, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आपने फ़िलहाल बनाना है ये, आपने फ़िलहाल अभी ये हेलो वर्ल्ड बनाकर मुझे दिखाना ज़रूर है। भले आप 2 मार्कअप से दिखा दें, भले आप 3 मार्कअप लगा दें उसके अंदर, ठीक है। एटलीस्ट H1 H2 तो लगाना आ गया सबको, पैराग्राफ तो लगाना आ गया सब लोगों को। तो जितना आ गया ना आपको, उतना आपने क्या करना है, बना कर और मुझे हेलो वर्ल्ड सब लोगों ने लाजमी चेक करवाना है। अच्छा अब ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया ना, इमेजिन कर लें ये CV मेरी कंप्लीट हो गई। अब अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि ये जो नई फाइल मैंने बनाई है इसको github.com पे पुश कर देना है, ठीक है। अच्छा VS Code के अंदर एक फीचर और भी है कि इसमें टर्मिनल भी अंदर ही खुल जाता है ना। अच्छा यहाँ पर मैं कहाँ जाता हूँ, ये ऊपर जाता हूँ, टर्मिनल पर क्लिक करता हूँ, न्यू टर्मिनल, ठीक है। और उसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट इसका, अच्छा इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा नीचे, लेकिन मैं इस तरह ओपन नहीं करता हूँ, मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ। कैसे है भाई, Ctrl+ बैकटिक, बैकटिक आपके कीबोर्ड में जो अलिफ मद्दा वाला बटन है ना, वो बैकटिक है, सही है। 1 के लेफ्ट पे, जो 1 का बटन है उसके लेफ्ट साइड पर, तो आपने कंट्रोल और प्लस या अलिफ मद्दा वाला बटन दबाना है, तो इससे ओपन भी होगा ये और ये हाइड भी होगा, सही है, हाइड और शो दोनों होगा इससे ये। अच्छा यहाँ पर मैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये जब टर्मिनल खुलता है ना, ऑटोमेटिकली आपके ये रिपोजिटरी वाले फोल्डर में ही खुलता है, ठीक है। जो फोल्डर आपने इधर ओपन किया हुआ है ना, उसी में ही खुलता है ये। पुश करने की क्या कमांड है, गेट एड डॉट, ठीक है, 3 कमांड है ना पुश करने की, तीनों चलाऊंगा तो पुश होगी, गेट कमेंट माइनस एन, एक ये CMD ही है असल में, ये जो मैंने खोला है ना ये टर्मिनल, ये असल में CMD ही है, लेकिन यहाँ पर अंदर इंटीग्रेटेड है। ये फीचर कौन दे रहा है, VS Code दे रहा है, ठीक है। माइनस एम करके मैंने लिखा कि जी माई फर्स्ट HTML वेबसाइट एंटर, ठीक है, गिट कमिट की वेबसाइट कमांड हो गई है। उसके बाद गिट पुश एंटर, ठीक है, ये पुश हो गया सारा का सारा कोड। अच्छा अब मैं जाके देखता हूँ मेरे github.com पे क्या ये पहुँच गया या नहीं पहुँच गया। रिपोजिटरीज में गया, और रिपोजिटरीज में जाने के बाद देखा पेशावर वेब डेवलपमेंट अपडेटेड जस्ट नाउ, अंदर गया इसके में, और यहाँ पर आप देखें ये index.html के नाम से ये बनकर आ चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर मौजूद है। अच्छा तो इतना जो काम है ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके लाएंगे। अच्छा ये बात याद रखें कि अगर किसी ने ये HTML की वेबसाइट बना चुका है वो, और लेकिन GitHub में पुश नहीं की है उसने, तो उसका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा,
ठीक है, जितने भी असाइनमेंट नाउ एंड ऑनवर्ड्स हम बनाएंगे उसको आपने गिटहब में ज़रूर पुश करना है। अगर आपने गिटहब में उसको नहीं डाला हुआ है तो वो असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्लस हर असाइनमेंट के लिए आप एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे, ठीक है, मैंने तो सेम में कर दिए, लेकिन आप एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि बाई द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास 40-50 रिपॉजिटरी का एक ग्रुप तैयार हो ना, और हर रिपॉजिटरी के अंदर एक छोटा सा असाइनमेंट आपके पास मौजूद हो। अच्छा, प्लस इतना काम आप जब नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस छोटी सी वेबसाइट को आपने इंटरनेट पे लाइव कैसे करना है ना, ताकि कोई एड्रेस हो, जैसे facebook.com लिखते हैं तो फेसबुक खुल जाती है, इसी तरह आपका URL लिखे कोई तो ये आपकी ये वेबसाइट खुल जाए, आपका रिज्यूम है। तो ये नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इतना काम करके आएँ। अच्छा, कितने लोगों को ये काम आता है पहले से लाइव करना इंटरनेट के ऊपर? 2-3 लोगों को 4 लोगों को आता है। अच्छा, तो बाकी लोग सारे सीख जाएंगे इंशाल्लाह ये, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, एकदम आसानी के साथ होगा। लेकिन इतना काम आप करके आएंगे तो मैं सिखाऊंगा, अगर नहीं किया हुआ होगा आपने तो फिर नहीं सिखाऊंगा मैं, फिर आप सब लोगों को मैं बोलूँगा ये अभी करो, है ना, हेलो वर्ल्ड सब लोगों ने करना है। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।